मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 10 सालों में काम किया है, उस काम को देखते हुए पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता ने तय कर लिया है, तो जिस सीट पे भी जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा, उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। और अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार है, तो आज हम लोग भी शक्ति पीठ पे माँ का आशीर्वाद लेकर के और इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे पूरा देश लगातार तेजी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा आसनसोल भी आगे बढ़े, विकास करे। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार ने, हमारे रेल मंत्रालय ने आसनसोल के लिए रेलवे की जमीन दे करके और 4 लेन बनाने का काम शुरू किया है। उसका बजट जो है वो रेल मंत्रालय से पास हो गया है और ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे आसनसोल को दी जाएगी। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को अपना खुद का डिसीजन लेने का अधिकार होता है, उनके अपने कुछ पर्सनल रीजन होंगे, अब वो उसके बारे में बता सकते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें जो आदेश मिलता है उसको हम लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तत्पर रहते हैं। और आज भी हम लोग बंगाल में आए हैं, आसनसोल में आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है, जो अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी सरकार, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। देखिए, कोई भी प्रत्याशी होगा और जीत हार लड़ाई ये सब एक तरफ होती है, राजनीति एक तरफ होती है, विकास एक तरफ होता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहे। सीए को लेकर, सीए को लेकर क्या कहेंगे बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा इस तरह से नहीं मानेंगे, क्या बोलेंगे? मुझे लगता है मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सीएए जो है वो किसी का नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है। और जो लोग भी अल्पसंख्यक हमारे पड़ोसी मुल्कों से भारत में आए हैं, उनको नागरिकता देना है। हम किसी की नागरिकता छीनने के लिए थोड़े सी ये लाए हैं, तो वो लागू करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, मैदान में लड़ाई होगा, हर आदमी तो अपना लड़ाई इसी तरह लड़ता है। और जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, पूरे देश ने देखा है और देश चाहता है, तो फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ममता बनर्जी कल घर में अपने खुद छोटी लोग आई है, क्या कहेंगे? अब देखिए, दीदी हैं और हम छोटे भाई हैं, तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, ईश्वर उनको स्वस्थ कर दे, यही प्रार्थना करें। बिल्कुल प्रार्थना, हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जब प्रार्थना करता है तो पूरे देश के लिए करता है, पूरा देश हमारा परिवार है। तृणमूल कांग्रेस भोजपुरी असली गानों को मुद्दा बना रही है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये उनका असली डर है, ये उनका असली डर है कि वो मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, वो देश देख रहा है और उसी पे ये तय होने जा रहा है कि इस बार जो है 400 पार करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। भाजपा का सेकंड लिस्ट आ गया, लेकिन आसनसोल के लिए अभी तक कैंडिडेट नहीं।